नमस्कार, टीएमटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। हमारी पृथ्वी पर कई ऐसे जीव जंतु हैं जिनमें हर जीव की अपनी एक खासियत है। ऐसा ही एक जीव लगभग दुनिया में कुछ जगह को छोड़कर हर जगह पाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सांप के बारे में। सांप, जिसे सर्प, नाग या स्नेक जैसे नामों से भी जाना जाता है, दिखने में यह जीव जितना सुंदर होता है उतने ही खतरनाक भी होता है। हालांकि सभी सांप खतरनाक नहीं होते हैं। भारत में सांप की पूजा की जाती है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। भारत देश में सांपों को पवित्र तथा देवता का दर्जा दिया जाता है। धर्म संस्कृति के अनुसार सांपों का राजा वासुकी को कहा जाता है, जो भगवान शिव के गले में है। सरीसृप वर्ग यानी रेप्टाइल्स वर्ग के सांप के बारे में आज हम जानेंगे सांपों के बारे में कुछ रोचक तथ्य। HindiNews.com के अनुसार सांप इस धरती पर डायनासोर के युग से ही है, लगभग 130 मिलियन साल से। दुनिया में 2500 से ज़्यादा प्रजातियां सांप की पाई जाती है, जिसमें से केवल 20% प्रजातियां ही जहरीली होती है। आइसलैंड तथा अंटार्कटिका और न्यूजीलैंड जैसे देशों में सांप नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा होती है। भारत में करीब 300 किस्म के सांप पाए जाते हैं, जिसमें से 50 विषैले प्रकार के होते हैं। दुनिया भर में लगभग हर साल सांपों के द्वारा 10 लाख लोग मारे जाते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 2.5 लाख लोग सांप काटने का शिकार होते हैं। दुनिया में कोई भी सांप बिना छेड़े कभी नहीं काटता। काटने की अधिकतर घटनाएं गलती से उन पर पैर पड़ने के कारण होती है। दुनिया का सबसे लंबा सांप पाइथन रेटिकुलेटस है, जो कि 30 फीट तक लंबा हो सकता है। सांप कभी किसी चीज को चबाकर नहीं खाते, बल्कि सीधे निगल जाते हैं। सांप मेंढकों, छिपकलियों, पक्षी, चूहे, जानवर तथा अपने से छोटे सांप को भी खाते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार सांप एक बार में खुद से 70 से 100% बड़ा शिकार भी निगल जाते हैं। सांप अपने जबड़े को निचले हिस्से के जमीन से लगाकर रखते हैं। धरती से उठने वाली तरंगों और थोड़ी हलचल को महसूस कर लेता है, जिससे भूकंप और सुनामी जैसे विनाशकारी तूफान के बारे में जानकारी देने की क्षमता होती है। पानी वाले सांप अपनी स्किन से भी कुछ मात्रा में सांस ले सकते हैं। सांपों को पानी की जरूरत कम होती है, वह अपने शिकार से ही पानी प्राप्त करते हैं। किंग कोबरा बिना खाए महीनों तक रह सकता है। सांप अपनी नाक से नहीं बल्कि अपने जीभ से सूंघते हैं। अपनी जीभ से यह सांप आसपास के माहौल का पता लगाते हैं। सांप साल में कम से कम 3 बार अपनी चमड़ी यानी कि कोष बदलते रहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले हॉर्न वाइपर नाम के सांप के सर पर 2 सींग होते हैं। दुनिया में सांपों की 70% प्रजातियां ही अंडे देती है, बाकी 30% सांप बच्चे पैदा करते हैं। सांप को कोई आवाज सुनाई नहीं देती। सांप बहरे होते हैं। बीन की आवाज सुनकर सांप का आना केवल भ्रम है। हम सांप को कभी कुछ सिखा नहीं सकते, क्योंकि वह कुछ सीख नहीं सकते। सांप के दिमाग में अन्य जीव की तरह सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो कि दिमाग का एक हिस्सा होता है, जो सांपों में नहीं होता। ब्राजील के स्नेक आइलैंड सांपों की सबसे घनी आबादी वाली जगह है। यहाँ पर 1 वर्ग मीटर में 5 सांप रहते हैं, यानी आपके सिंगल बेड जितनी जगह में 10 सांप और डबल बेड जितनी जगह में 20 सांप पाए जाते हैं। किंग कोबरा जहरीले सांपों में सबसे लंबे सांप होते हैं और आमतौर पर इनकी लंबाई 18 फीट तक होती है। इनका जहर इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि उसकी मात्रा की 7 मिलीलीटर मात्रा एक हाथी को मार सकती है। अफ्रीका में पाई जाने वाला ब्लैक माम्बा सांप बहुत ही जहरीला तथा इसका अंदरूनी हिस्सा काला होता है, जिसके काटने से 95% लोगों की मृत्यु हो जाती है। सांप कभी भी चिकने फर्श पर तेजी से नहीं दौड़ सकता, क्योंकि सांप की स्किन चिकनी होने की वजह से सांप रिपट जाता है। सांप की अधिकतर रफ्तार 7 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। दुनिया भर के लगभग 725 प्रजातियों में से 225 प्रजाति के सिर्फ एक बार काटने से मानव को मार सकती है। दुनिया के शीर्ष 5 सबसे विषैले सांपों में इंटरनेशनल ताइपान, पूर्वी ब्राउन सांप, तटीय ताइपान, बाघ सांप,
और काले बाघ सर्प है। कुछ सांपों में 200 से अधिक दांत होते हैं। गलती से खुद को काटने से कुछ विषैले सांप अपने आप को मार लेते हैं। सबसे दुर्लभ और लुप्त प्रजाति का सांप सेंट लुसिया रेसर है। इनमें से केवल 18 से 100 सांप ही बचे हैं। सांपों की उम्र 4 से 25 वर्ष तक रहती है। सांप शीत रक्त का प्राणी है, यानी यह अपने शरीर का तापमान खुद नियंत्रित नहीं कर सकता। इसके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार घटता या बढ़ता रहता है, इसलिए वह एक जगह ज्यादा देर नहीं रह सकता। सांप एक वेनमस प्राणी है, न कि पॉइजनस। वेनमस और पॉइजनस का अर्थ जहरीला ही है, लेकिन इसमें अंतर होता है। वेनमस का प्रयोग ऐसे जीवों के लिए करते हैं जो काटकर जहर किसी को शरीर में छोड़ते हैं, जैसे कि सांप। और पॉइजनस का प्रयोग ऐसे जीवों के लिए करते हैं जिनकी स्किन या त्वचा में जहर होता है, जैसे कि छिपकली, लिजार्ड या मेंढक, जिनके पूरे शरीर में जहर होता है। भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांप, जैसे कि इंडियन क्रेट, जिसे कॉमन क्रेट भी कहा जाता है, इसे दांडेकर भी कहा जाता है, यह भारत का सबसे जहरीला सांप है। इसके एक बार काटने से इतना जहर निकलता है जिससे 60 लोगों की जान जा सकती है। भारत में यह सालाना 10,000 मौतों के लिए जिम्मेदार होता है। इस सांप की 12 प्रजातियां और 5 उप प्रजातियां हैं। इंडियन कोबरा। इंडियन कोबरा को नाग के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। इसे गवारा, काला नाग तथा डोम्या नाग के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्यादातर जंगल में, नदियों के किनारे, खेतों में और गांवों के आसपास रहते हैं। नागों को हिंदुओं में पूजा भी जाता है। भारत में हर साल लगभग 15,000 लोग इनके काटने से मारे जाते हैं। रसल वाइपर को भारत में कोरीवाल घोनस नाम से भी जाना जाता है। यह सांप बेहद गुस्सेल सांप बिजली की तेजी से हमला करने में सक्षम है। करीब 25,000 लोगों की मौत इनके काटने से होती है। सॉस केल्ड वाइपर। यह सांप लंबाई में छोटा तथा गुस्सेल और चिड़चिड़ा होता है। इससे हर साल लगभग 5,000 मौतें होती है। द किंग कोबरा विश्व का सबसे लंबा जहरीला सांप है। इनकी लंबाई 13 से 15 फुट या 18 फुट तक होती है। यह ज्यादातर वर्षावनों, नम जंगल, शांत दलदलों और बांस के वनों में रहते हैं। इंडियन पिट वाइपर। इंडियन ग्रीन पिट वाइपर, इसे बैम्बू वाइपर या ट्री वाइपर भी कहा जाता है। यह सांप मुख्य रूप से झाड़ियों और बांस के पेड़ों पर रहते हैं। इनकी लंबाई 2.5 फीट तक होती है। यह ज्यादातर भारत के पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। आज के समय में एनाकोंडा को ही दुनिया का सबसे बड़ा सांप कहा जाता है, लेकिन डायनासोर के काल में पाए जाने वाला टाइटनोबोआ नाम का सांप एनाकोंडा से भी बड़े विशाल होते थे। टाइटनोबोआ को धरती पर मौजूद सबसे बड़ा सांप माना जाता है और इसी कारण इसे मॉन्स्टर स्नेक भी कहा जाता है। यह सांप 50 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा होता है। इस सांप का वजन करीब 1500 किलो होता था। दरअसल इस सांप का नाम टाइटैनिक नाम के जहाज के कारण पड़ा, क्योंकि यह टाइटैनिक जहाज की तरह विशाल था। सांप के दूध पीने के बारे में अगर कहा जाए तो सांप दूध नहीं पीता। अगर वह पीता है तो उसे न्यूमोनिया होने के आसार रहते हैं। भूखा सांप दूध को पानी समझकर पीता है। अगर किसी सांप को घाव है और वह दूध पी लेता है तो वह मवाद बन जाता है और 15 दिन के अंदर उसकी मौत हो जाती है। सांप के जहर से कैंसर, पार्किंसन व अल्जाइमर जैसे रोगों का इलाज होता है। एंटीवेनम के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सांप की कोस से भी दवा बनती है। जीव की तस्करी भी की जाती है जिन पर रोक लगनी चाहिए। देखते रहिए TMT News 24।